नमस्कार दोस्तों, मितासी का 22 इंच टीवी है। अब मेरे पास आया है रिपेयरिंग के लिए, तो इसका आप प्रॉब्लम देख सकते हैं। स्टैंड बाय मोड में है, स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होता है ये टीवी। देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका बैक लाइट अपना पावर लाइट है वो थोड़ा सा लुक कर रहा है, देखिए यहाँ पर। और जब हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसकी क्या पोजिशन होती है। ये स्टैंड बाय से रिलीज़ तो होता है लेकिन तुरंत फिर से स्टैंड बाय मोड में आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रिमोट आपके सामने, ये देखिए मैंने रिलीज़ किया, तुरंत वापस वो स्टैंड बाय मोड में चला गया है। मतलब स्टैंड बाय मोड से रिलीज़ होता है तुरंत वापस आ जाता है। तो फिर मैं आपको एक बार देखूँगा करके, देखिए यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज़ होके फिर रिटर्न आ जाता है। तो चलिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है तो खोजते हैं और क्या प्रॉब्लम निकलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसका सोल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसका जो मदरबोर्ड है देख लीजिए, कॉम्बो मदरबोर्ड है इसके अंदर और एंड्रॉयड नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसके पहले सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज है या नहीं है, जहाँ जितना चाहिए। तो चलिए मैं ग्राउंड दे देता हूँ और आपको मल्टीमीटर दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर 12 वोल्ट सबसे पहले प्रेजेंट है कि नहीं, देखिए है प्रेजेंट, 12 वोल्ट ओके है। ये बैकलाइट के लिए वोल्टेज है 36 वोल्ट, ये भी ओके है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 1.3.2 वोल्टेज चाहिए वो भी है, लेकिन यहाँ पर जब हम रिलीज़ करते हैं तब 1.8 वोल्ट होना चाहिए, वो नहीं है। और यहाँ पर देखिए 3.2 वोल्टेज है उसमें, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ जो 1.8 वोल्टेज चाहिए होता है वो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर 5 वोल्टेज कंप्लीट है। तो लगभग यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कंप्लीट है, लेकिन ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा है। रिलीज़ होके फिर वो स्टैंड बाय में चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार खोलने के बाद चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है, फिर से वापस आ गया। मतलब थोड़ा सा स्टैंड बाय से रिलीज होता है, बाद में वापस आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या सोल्यूशन करना चाहिए, क्या सोल्यूशन खोजना चाहिए, तो चलिए मैं आज बताऊँगा इस वीडियो में आपको। देखिए इस तरह का आपके पास कभी फॉल्ट आता है तो देखिए, ये जो एक कन्वर्टर है जो 5 वोल्ट तक आउटपुट देता है और 12 वोल्ट देने से, तो देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको कैसे यूज़ में लाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट करना है इसके अंदर। तो दो वायर हम जोड़ेंगे प्लस माइनस 12 वोल्ट का, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ओके, तो ये वायर मैंने जोड़ा अभी, ये देंगे 12 वोल्ट के लिए। और एक वायर और जोड़ेंगे जो आउटपुट की वायर होंगी, वहाँ से 3.3 निकलेगा, जहाँ हमें स्टैंड बाय से रिलीज होने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आउटपुट दे दिया है और यहाँ पर हम 3.3 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर जोड़ना है, देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें ग्राउंड देना है, प्रॉपरली ग्राउंड चाहिए, तो हमें इस तरह पर ग्राउंड मिली है तो हम यहाँ पर ग्राउंड देते हैं प्रॉपरली ब्लैक वायर को। जो रेड वायर है यहाँ पर हमने जो 12 वोल्ट चेक किया था वहाँ पर हम जोड़ेंगे 12 वोल्ट को। मैं आपको जूम करके भी बताऊंगा कहाँ कहाँ मैंने वायर लगाया है। तो चलिए इस तरह से मैंने 12 वोल्ट इनपुट दे दिया है इस कन्वर्टर को। तो चलिए ओके, अभी 12 वोल्ट इनपुट देने के बाद हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 5 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक, 1.5 वोल्ट तक। तो यहाँ पर हमें 3.3 जो होता है वो शॉर्ट करना है,
यहाँ पर हम शॉर्ट करने के बाद हम वापस मल्टीमीटर से चेक करेंगे हमारा पॉइंट सही है या गलत है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, चलिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी टीवी ऑन करता हूँ। प्रोटेक्शन के लिए किट रखेंगे यहाँ पर, और मल्टीमीटर से पहले चेक करना पड़ेगा हमें कि 3.3 आ रहा है या कम आ रहा है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर से वापस यहाँ पर चेक करते हैं कि वोल्टेज आता है या नहीं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ग्राउंड ग्राउंड पहले देता हूँ। यहाँ पर प्लस वायर जो है, प्लस को लगाएंगे। यहाँ पर मैं ग्राउंड देता हूँ। यहाँ पर 2.5 वोल्टेज आ चुका है, ये हमारा गलत पॉइंट लग चुका है। देखिए, हमें 3.3 चाहिए, तो यहाँ पर 2.5 है। तो हमें जो यहाँ पर पॉइंट हमारा थोड़ा गलत हो गया है, ये यहाँ पर हमें 3.3 शॉर्ट करना है यहाँ पर, देखिए। इसीलिए हमें कभी भी मल्टीमीटर से चेक कर लेना पड़ता है कि ये सही हुआ या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, तो इसके लिए चेक करना पड़ता है। तो हमें 3.3 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ रहा था, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हमने वो निकाल दिया है और अभी 3.3 पे शॉर्ट किया है। तो चलिए, यहाँ पर वापस हम चेक करते हैं कि हमको 3.3 मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर ग्राउंड देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 3.3 मिल चुका है हमें, और ये 3.3 अभी हमें कहाँ देना है, एक ट्रिक से ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी मेमोरी आईसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब पिन हमारी मैं लगाऊंगा। मेमोरी आईसी के कौन से पिन नंबर पे हमें ये वायर लगाना है। यहाँ से थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ। ये देखिए, पिन नंबर 8 पे हमें ये जो वायर है 3.3 की, ये लगाना है इस तरह से। जहाँ पर हमें हम चेक किया था कि 3.2 वोल्टेज हमें वहाँ पर मिल रहा था, लेकिन वो वोल्टेज जब हम स्टैंड बाय से रीज करते वो ड्रॉप होता था। तो इसलिए हमें, ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो वोल्टेज है यहाँ पर 8 नंबर पिन को दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन से पिन को मैंने लगाया है वायर। अभी देखिए, स्टैंड बाय का लाइट यहाँ पर ऑन है। अभी हम चेक करते हैं रिमोट के बटन दबा के कि ये जो स्टैंड बाय से रिलीज होता है कि नहीं, कि वापस आता है। देखिए, यहाँ से स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है और वापस नहीं आया। देखिए, यहाँ पर बैक लाइट भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर अंदर आपको दिख रहा है कि ये जो बैक लाइट है यहाँ चालू हो चुका है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो स्टैंड बाय से वापस जाता था वो भी ओके हो चुका है। यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिलता है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे हम। ये देखिए, 1.8 वोल्ट आ चुका है यहाँ पर, और अभी स्टेरेबल है। जब हमारा आके गायब हो जाता था, जब स्टैंड बाय से रिलीज़ होता था, लेकिन आके वो गायब हो जाता था, और यहाँ पर 3.3 वोल्टेज भी एक आके वो गायब हो जाता था। अभी स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद ये स्टेरेबल है, अभी वापस नहीं जा रहा है ये वोल्टेज। ओके, तो इस तरह से हम ये जो मितासी का 32 इंच जो टीवी है, इसको हमने स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया है। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, स्टैंड बाय से ये रिलीज होके स्टार्ट भी हो चुका है, और इसकी स्क्रीन जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। ओके, देख सकते हैं। और इसको हम अभी आपको DTH भी लगा के दिखाऊंगा कि इसका पिक्चर सही है या खराब है।
तो ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, अपने जो सब कंप्लेंट है ओके हो जाए। और आपका कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल आप ऐसा करके ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर सकते हैं। और कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। और कुछ ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना रहा तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वो वीडियो देख सके। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है उस कैसा लगता है आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो वीडियो मैं बनाता हूँ आप तक पहुँच सकते हैं सब्सक्राइब करने से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और जब कभी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत हमें आनंद लगता है। तो चलिए, यहाँ पर जो मैंने टीवी ऑन चालू किया है अभी उसको मैं फिटिंग भी कर देता हूँ, दो चार स्क्रू है वो लगाने के बाद हम फिर वापस इसको चालू करके दिखा देते हैं आपको जो पिक्चर है वो सही तरह से आता है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो टीवी है स्क्रू इसके लग चुके हैं, देखिए इस तरह से हमारा जो बैक कवर है ये भी लग चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होते हैं ये कभी ऐसे होते हैं कि कभी ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होता, तो कुछ मैकेनिक लोग डायरेक्टली इसका मदरबोर्ड चेंज कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। ये ऐसे करके हम जो मदरबोर्ड है वो भी रिप्लेस से चालू कर सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं मदरबोर्ड को। तो चलिए, यहाँ पर मैं अभी ऑन करता हूँ और केबल की वायर लगा दिया मैं, तो चलिए यहाँ पर ऑन करता हूँ। देखिए स्टैंड बाय से लाइट लग चुका है, मैं अभी ऑन करने जा रहा हूँ, ओके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। चलिए, ये जो हमारा देखिए मिताशी नाम आ चुका है और ये हमारा टीवी चालू हो चुका है। पूरा जो पिक्चर है वो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट की इशू आ जाता है चैनल पर, तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कम्प्लीटली, ओके। चलिए, कुछ नया ऐसा टॉपिक लेकर मैं जरूर जरूर दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा लेकर, थैंक यू।